हमारा भारत हमेशा से अपने पकवानों और उसके साथ इस्तेमाल होने वाले अचार, सलाद, पापड़ जैसी डिशेस के लिए फेमस है। यहाँ पकवानों के साथ दिए जाने वाले पापड़ हो या अचार, पकवानों के स्वाद को और बढ़ाने और पकवानों को और आकर्षक दिखाने में मददगार होते हैं। हमारे भारत में ये पापड़ की मांग हमेशा से ही है। पापड़ क्या है, पापड़ का बिजनेस क्या है, पापड़ के बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल क्या होते हैं, पापड़ बिजनेस से जुड़ी जरूरी जानकारी क्या है, पापड़ बिजनेस में कौन सी मशीन इस्तेमाल होती है, पापड़ बिजनेस की मार्केटिंग कैसे करें, घर पर पापड़ बिजनेस कैसे शुरू करें, पापड़ बिजनेस में लागत कितनी लगती है, पापड़ बिजनेस में मुनाफा कितना है, ये सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। पापड़ बनाने के बिजनेस के लिए जरूरी मशीनरी, पल्बलाइजर मशीन सारे मसाले और बैटर को पल्प बनाने के लिए, फ्लोर मिल मशीन, ग्राइंडर मशीन मसालों को पीसने या कोई सामग्री पीसने के लिए, पापड़ मेकिंग मशीन पापड़ को ज्यादा बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली मशीन, ड्रायर पापड़ सुखाने के लिए, पैकिंग मशीन पापड़ों को पैक करने के लिए। पापड़ बनाने के बिजनेस के लिए जरूरी रॉ मटेरियल, उड़द दाल, पापड़ खार, एडिबल ऑयल, मसाले, नमक, हींग, ग्राउंड ब्लैक पेपर, पानी। लागत कितनी लगेगी, पापड़ बिजनेस की लागत पापड़ बनाने वाली मशीन, रॉ मटेरियल आदि के आधार पर लगती है। शुरुआत में लगभग 4 से 5 लाख में बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस के लेवल और आपके बजट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। मुनाफा कितना होगा, पापड़ बिजनेस में हम 1 केजी पापड़ पर 20 रुपए के करीब बचत या मुनाफा कमा सकते हैं। अगर एक दिन में 10 किलो पापड़ की बिक्री हुई तो मुनाफा 20 रुपए के हिसाब से शुरुआती दौर में 200 रुपए एक दिन के हिसाब से होगा, तो महीने का लगभग 6000 तक मुनाफा शुरुआत में हो सकता है। धीरे धीरे सफलता और पहचान बढ़ने से ये मुनाफा बढ़कर 20,000 से 25,000 तक भी हो सकता है। बड़े शहरों में इसकी मांग के चलते पापड़ बिजनेस बड़े बिजनेस में लाखों में मुनाफा देने वाला बिजनेस है। किन किन जरूरी लाइसेंस की आवश्यकता होगी, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको अपनी शॉप का रजिस्ट्रेशन, उद्योग रजिस्ट्रेशन करना होगा और FSSAI लाइसेंस लेना होगा। मार्केटिंग कैसे करें, किसी भी बिजनेस की सफलता उसकी मार्केटिंग पर निर्भर करती है। बिजनेस को कितना भी अच्छा कर लो लेकिन अगर लोग आपके बिजनेस को जानेंगे नहीं तो सब बेकार है। बिजनेस की मार्केटिंग के लिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स का इस्तेमाल करें। इसके अलावा पोस्टर, बैनर, बिजनेस कार्ड, पैम्फलेट बनवाएं और आसपास उसे लगवाएं, जिससे ग्राहकों को आकर्षित किया जा सके। तो ये थी पापड़ बनाने के बिजनेस की पूरी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और ऐसे और बिजनेस आइडियाज के लिए हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है।